Hi, you are watching Cooksmart and I am Sanjeev Kapoor. आप सोच रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ? देखिए कुछ तो बनेगा और बढ़िया से बनेगा. और ये जो है एक बहुत ही बढ़िया सी सब्जी है और इसको बनाने के लिए मैं थोड़ी सी तैयारी पहले कर रहा हूँ और फिर देखते हैं कि क्या आगे इसमें करेंगे हम. तो ये मैंने लिया है जैकफ्रूट, कटहल, फनस. ये लेकर इसको काट कर ये मैंने नमक और हल्दी डाली है इस पानी में और इसको रख देते हैं पकने के लिए. तो ये जो है हल्दी और नमक के साथ में इसको पकने देते हैं, उबलने देते हैं. ये हमारे पास जो है ये कच्चा जैकफ्रूट है तो इसके पीसेस काटने हैं और यही जो पीसेस हैं ये मैंने काट कर इसको उबलने के लिए रख दिया है पानी के साथ नमक और उसमें हल्दी डाल के. अच्छा, अब इसकी तैयारी बाकी. और ये जो तैयारी है इसमें एक मसाला भुनना है हमें. और ये मसाले के लिए ये मेरे पास धनिया, सूखा धनिया. बढ़िया एकदम फ्लेवर वाली ये रेसिपी बनेगी. तो इसको थोड़ा भून के, मसाले भून के उसकी जो खुशबू है, उससे जो चीज़ें बनती हैं उसका मज़ा ही कुछ अपना है. तो धनिया, जीरा, उसके साथ साथ कुछ लौंग ये ले लेते हैं. ये धनिया, जीरा, लौंग ये पीसेंगे हम. और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और डालनी हैं जो हमें पीसनी हैं. थोड़ा ये बढ़िया तीखा भी बनना चाहिए. तो ये लीजिए ये सूखी लाल मिर्चें. अगर चाहें तो इसमें से ये जो बीज है ना ये निकाल सकते हैं. ये बीज का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं, ये बीज गायब. इसमें हमें चाहिए अदरक और लहसुन. तो फ्रेश ये अदरक, उसके साथ साथ लहसुन, ज़्यादा नहीं, अदरक लहसुन आ गया. और फिर इसको करते हैं बंद. और ये जो है, चलिए कोकोनट जी हाँ, नारियल के साथ में इसको बनाएंगे. और ये मेरे पास इमली का पल्प, ये हो गया. और इसमें थोड़ा सा पानी और इसकी पेस्ट तैयार करनी है हमें. ये थोड़ा सा पानी ये लीजिए. ये पीस लिया और अब पीसने के बाद इसको पकाने की शुरुआत करते हैं. देखिए पक तो रहा है यहाँ पर, लेकिन अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे. और ये जो ग्रेवी है ये मैं बना रहा हूँ कोकोनट ऑयल में. नाइस एंड फ्लेवरफुल कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल डालकर इसे हम बनाएंगे. अब इसके अंदर बाकी काम शुरू. और थोड़ा सा राइस के अंदर मस्टर्ड सीड्स, क्या कोकोनट की खुशबू आ रही है. नाइस, हल्के हल्के फूटने लग गई हैं ये. इसके साथ साथ कुछ करी पत्ते और ये भी, वाह क्या मैजिक. ये जो साउंड है ना कुकिंग में, एकदम खाने बनाने का मज़ा और दुगना कर देती हैं. ये कटे हुए प्याज और अब जरा इनको पकने देना है हमें. तो ये हो गया प्याज. प्याज जो है हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गया. अच्छा, इसमें हरी मिर्च इसके अंदर. अब इसमें डालेंगे ये हमारे पास जो टमेटो प्यूरी है. अब देख रहे हैं इसको हमने लाल किया है प्याज, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया है. बस मैं देखिए खाना बनाने में मेहनत लगती है तो ये मेहनत का फल जो है वो कटहल होगा. ये तो ये टमाटर और प्याज, ये देखिए अब कितना बढ़िया रंग इसका आ गया है. और इसके बाद ये देखते हैं ये हमारे पास, आ हा हा हा, एकदम सॉफ्ट ये इसके अंदर. और ये जो है इसका जो पानी है
वो नहीं चाहिए। अगर इसमें ग्रेवी में और पानी चाहिए तो हम दूसरा पानी डाल लेंगे। कटहल की सब्जी बन रही है जबरदस्त, और जैक फ्रूट, और ये लीजिए इसको हमने ले लिया। और ये जो है अब पेस्ट, ये असली पेस्ट, ये थोड़ी इसकी वजह से इसकी ग्रेवी जो है वो जबरदस्त बनेगी। अब पूरा मजा आएगा इसके अंदर, इसके साथ में ये पकेगी। ये जो है इसका लुक ही देख के आपको पता चल रहा है ना कि कितना बढ़िया ये लुक है इसका। वाह, ये खुशबू इसके अंदर। अच्छा, इसमें जब इसको बॉईल कर रहे थे तब तो नमक डाला था, लेकिन फिर भी ग्रेवी के हिसाब से थोड़ा नमक बाकी, तो इसमें नमक डाल देते हैं। और इसके अंदर बाकी सारे मसाले तो आ ही चुके हैं, लाल मिर्च भी है, कोकोनट भी है, हरी मिर्च भी है, धनिया, जीरा, राई, करी पत्ता, हल्दी, अदरक, लहसुन, सब इसके अंदर। और ये देखिए इसको प्याज टमाटर के साथ में, और इस पे लगाते हैं ढक्कन, आंच करते हैं धीमे, 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकने दें, और फिर उसके बाद इसको परोसे गर्मा गर्म स्टीम्ड राइस के साथ में या फिर चपाती के साथ में, कैसे भी इसको खाएं। फटाफट बनाइए इसको, बनाने के बाद में ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, और फिर लोग आपके पास भी अपनी बनाई हुई डिशेस ज़रूर भेजेंगे, ये मेरी गारंटी है।